जय हिंद दोस्तों वंदे मातरम पिछले कुछ समय से जावेद अख्तर और कंगना रनौत के बीच में कोर्ट के अंदर चूहे बिल्ली का खेल चल ही रहा है कभी कंगना रनौत भारी पड़ती हैं तो कभी जावेद अख्तर भारी पड़ते हैं कुछ समय पहले कंगना रनौत ने जावेद अख्तर को लेकर कुछ टिप्पणियाँ करी थी जिसको लेकर जावेद अख्तर ने उनके ऊपर डिफेमेशन का केस लगा के रखा है और इसी की सुनवाई के तहत कुछ समय पहले उनके विदेशी दौरों के ऊपर भी रोक लगा दी गई थी और अब बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से जो बात निकल कर सामने आई है वो कंगना रनौत के लिए किसी प्रकार के झटके से कम नहीं है उन्हीं कंगना रनौत के लिए जो कि अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं और अभी कुछ समय पहले ही उनकी थलाई भी करके जो मूवी आ रही है जयललिता के ऊपर उसकी भी रिलीज़ का अनाउंसमेंट कर दिया गया है ऐसे में उनके लिए ये बात जो आ, बॉम्बे हाईकोर्ट से निकल कर आ रही है वो वाकई में किसी झटके से कम नहीं है बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कंगना नौथ की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें गीतकार जावेद अख्तर की शिकायत पर उनके खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्रवाई को रद्द करने का आग्रह किया गया था हाईकोर्ट की न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे ने एक सितंबर को कंगना नौत की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था उन्होंने आज कहा कि याचिका को खारिज किया जाता है रनौत ने अपने वकील रिजवान सिद्दीकी के मार्फत मानहानी की कार्रवाई को चुनौती दी थी और कहा था कि उपनगर अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गीतकार के वकील जय भारद्वाज ने हालांकि पीठ से कहा था कि मजिस्ट्रेट ने अख्तर की शिकायत और इंटरव्यू के अंश पर गौर करने के बाद पुलिस जांच का आदेश दिया उस इंटरव्यू के दौरान रनौत ने कथित मानहानिकारक टिप्पणियां करी थी अख्तर ने रनौत के खिलाफ रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी के साथ इंटरव्यू के दौरान कथित रूप से मान हानिकारक टिप्पणी करने एवं बेबुनियाद आरोप लगाने को लेकर पिछले साल नवंबर में अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी अदालत ने दिसंबर 2020 में जूह पुलिस को कन्नौत के खिलाफ अख्तर की शिकायत की जाँच करने के निर्देश दिए थे और फिर उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की इस साल फरवरी में अभिनेत्री के खिलाफ समन भी जारी किया गया था जिसके की बाद में कई सारी घटनाएं हुई थी मतलब इनको बूढ़ापास जाना था अपनी एक मूवी की शूटिंग के लिए जिसमें नहीं जा पाई थी इसके अलावा इनके पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए भी एक रोक लगा दी गई थी बाद में जावेद अख्तर ने, जावे ने यह भी कहा था कि भाई इन्होंने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए जो अपील करी थी उसमें इन्होंने इस बात का जिक्र ही नहीं किया था कि इनके ऊपर केस चल रहा है भाई पासपोर्ट क्योंकि अगर आपके खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज होता है तो आपको पासपोर्ट नहीं दिया जाता ये चीज़ एज़ पर लॉ है तो ऐसे में कई सारे आरोप कंगन के ऊपर लगाए गए थे पूरी कोशिश करी गई थी कि उनको रोकने की अब और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि निकल कर सामने जैसे कि कंगना राउत ने इसी केस में ये था कि भाई ये केस जो है रफा दफा कर दिया जाए मतलब दब जाए या फिर यूँ कह लें खत्म कर दिया जाए कि उनको परेशानी ना हो इसको लेकर क्योंकि उनको प्रोफेशनल कमिटमेंट जो रहते हैं वो ये मांग करते हैं कि वो बार बार विदेशी दौरे करें तो ऐसे में अब ये चीज़ निकलकर सामने आ रही है कि भैया केस तो चलता रहेगा और कंगन राउत को ये केस लड़ना पड़ेगा इस वीडियो में फिलहाल इतना ही जय हिंद जय भारत